और लखनऊ से हम खबर, जहां पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक है। प्रदेश भर के जोनल आईजी के साथ समीक्षा बैठक होगी। जनपदों के वर्गीकरण सहित 18 बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 3 चरणों में आयोजित की जाएगी समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, 3 चरणों में ये समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। इसके अलावा बैठक में डीजीपी जगमोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो पंचायत चुनावों को देखकर ये बैठक की जा रही है। आपको बता दें, लखनऊ में बैठक की जा रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जाएगी। प्रदेश भर के जोनल आईजी के साथ ये समीक्षा बैठक होनी है। जनपदों के वर्गीकरण सहित 18 बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 3 चरणों में बैठक की जाएगी, बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इसके साथ ही डीजीपी जगमोहन भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। डीजीपी जगमोहन यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे, प्रमुख सचिव गृह भी इसमें मौजूद रहेंगे। और राजीव प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, जो ये बैठक होने वाली है, पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर होने वाली है, क्या कुछ समीक्षा होगी इस बैठक में? प्राची, उत्तर प्रदेश में आगामी हमें पंचायत चुनाव को मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, जिसके चलते इस चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आज यूपी के प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा व डीजीपी जगमोहन यादव के मौजूदगी में, जो उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षकों हैं, उनकी एक अहम बैठक की जा रही है, जिसमें बीते दिनों पंचायत चुनाव के मद्देनजर दिए गए निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। उनके तहत अब तक क्या कार्रवाई की गई है, उसकी इच्छा की जाएगी, और फिर जो आगामी पंचायत चुनाव है उसको सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने व निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए इन अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी राजीव, जो ये बैठक होने वाली है, 3 चरणों में ये बैठक होगी, इसके अलावा और कौन कौन मुख्य लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस महानिरीक्षकों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा, डीजीपी जगमोहन यादव, एडीजी लैंड ऑर्डर दलजीत चौधरी सहित उत्तर प्रदेश पुलिस के कई आला अधिकारी शामिल रहेंगे, जो कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर विधिवत एक रोड मैप तैयार करेंगे। और इस चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव खासा अहम रहता है, उसमें कानून व्यवस्था में कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके निराकरण के लिए इस बार यूपी पुलिस एक अहम रोड मैप आज तैयार करेगी, जिसके मद्देनजर जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न पुलिस महानिरीक्षक हैं, उसका सख्ती से पालन कराने के लिए उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा, ताकि भविष्य में आने वाले माह में जो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसको निष्पक्षता व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।